नौ जो प्रकृति वालों का एपेटाइट कैसा रहता है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति वालों को एपेटाइट मतलब भूख कैसा रहता है। देखिए वात प्रकृति वालों का भूख इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, इट इज इरेगुलर एंड वेरिएबल, समटाइम्स ईट्स लॉट, समटाइम्स ईट्स वेरी लिटिल, क्योंकि उसका प्रकृति का गुण क्या है, चंचलता। एक बार चार डोसा खाएगा, एक बार एक ही खाएगा, एक बार बिना किसी को पता करके आठ डोसा भी खा सकता है, इट्स वेरी इरेगुलर। उसका गुण क्या है, चंचल, चंचल गुण है, मतलब एक स्टेबल गुण ही नहीं रहता है। सो वात वालों का कभी यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इन फूड एपेटाइट का, वो नहीं बोल सकते वो कुछ नहीं खाएगा, अगर कुछ नहीं खाएगा उस दिन चार इडली खाएगा, अगर एक आप चार रोकेंगे तो एक खाएगा। सो इसीलिए वात वालों का एपेटाइट इज ऑलवेज अनसर्टेन, इट इज नॉट ए फिक्स्ड वन, इट इज इरेगुलर एंड वेरिएबल ऑलवेज। एंड पित्त वालों का एपेटाइट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका अंदर अग्नि बहुत तेज है, पित्त वाला कितना भी खाओ वो खा सकता है, बिना खा के वो नहीं रह सकता है। सो पित्त वालों का एपेटाइट बहुत स्ट्रांग है, ही कैनॉट स्किप अ मील्स एंड ही विल हैव टू ईट अगेन एंड अगेन, यूजुअली ही ईट्स अ लॉट। पित्त वालों का जो फेयर है, जो मॉडरेट है, पित्त वालों का है एपेटाइट बहुत अच्छा लगता है, अगर उसने एक बार फूड नहीं किया वो तो बहुत डल रहता है, ही कांट स्किप अ फूड इन द आफ्टरनून, हो कभी भी हो उसको फूड से बिना कुछ नहीं कर सकता है, वो बहुत ठंडा हो सकता है, इसलिए क्योंकि इसका एपेटाइट इतना तीव्र तरह से रहता है, ही विल हैव वेरी गुड एंड स्ट्रांग एपेटाइट। इसलिए पित्त वालों को कभी उपवास नहीं करना चाहिए, उसमें अग्नि नहीं तो क्या करेगा, उसके धातु पचन करता है, अगर वो अग्नि ज्यादा होते होते शरीर का बाकी ऑर्गन्स को पचन करता है, इसलिए पित्त वालों को ज्यादा एपेटाइट रहता है, उसको उपवास ज्यादा नहीं करना चाहिए। ओके, कफ वालों का जो वेरी हैवी हैवी वालों का और वेरी ओबेसिटी वालों, वेरी मतलब थोड़ा ओबेस वालों को, कफ वालों को एपेटाइट कैसा रहता है, इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट but cannot skip meals easily and tolerate hunger and thirst, can feel full with a little food also. देखिए इनका एक सामर्थ्य क्या है, ये स्टेबल है, कभी एक ही तरफ खाते रहते हैं, उनको फूड नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसको सहने का ताकत भी रहता है। कफ वालों को फूड खाने का इच्छा करता है, अगर नहीं मिला तो वो सहने का ताकत रहता है, क्योंकि गुरु मंद हिम स्त्रीकल सक्षता सांद्र मृदु स्थिर, उसका सांद्रता है, स्थिरता है, दृढ़ता है, तो वो थोड़ा सह सकता है, थोड़ा स्टोर रहता है ना, कफ का गुण क्या है, स्टोरेज, तो एनर्जी इनका अंदर स्टोर करता है। सो सुबह नहीं खाया, पित्त वाले ने सुबह नहीं खाया तो दोपहर वो पंच पैच हो जाता है। वात वाला क्या है, एक बार ज्यादा भी खा सकता है, एक बार कम भी खा सकता है, एक बार इरेगुलर है उसका, लेकिन कफ वाला क्या है, कफ प्रकृति वाला कैसा है, उसका ऑलवेज फूड का कांस्टेंट रहता है, अगर उसको फूड नहीं मिला तो भी वो सह सकता है, भूख सह सकता है, क्योंकि उसका अंदर स्टोर रहता है। देखिए इट इज ट्रू, अगर आपका घर में ऐसे लोग तीन चार तरह का लोग आपका घर में ही रह सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सो कफ वालों का जो एपेटाइट है कॉन्स्टेंट, बट कैनॉट स्किप मील्स ईजिली एंड टॉलरेट हंगर एंड थर्स्ट, कैन फील फुल एंड विद लिटिल फूड आल्सो, अगर कुछ थोड़ा मिल गया तो उसको पेट भरा जैसा भी लग सकता है, ये कफ वालों का बहुत अच्छा गुण है। ओके, नाउ स्किन एंड कॉम्प्लेक्शन।